नमस्कार, जन सरोकार मंच नमस्कार टॉक भाई के इस साक्षात्कार कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं जितेंद्र साहू जी। जितेंद्र साहू का नाम नमस्कार जितेंद्र साहू का नाम वर्तमान पीढ़ी के चित्रकारों में महत्वपूर्ण है और साहित्यिक संस्कारों के ये रचनाकर्मी रहे हैं और चित्रकला के अलावा कविता लेखन से भी इन्हें समान रूप से प्रेम रहा है। नाट्य लेखन के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं और वर्तमान समय में किरंदुल बस्तर जिले में एक बहुत छोटी सी जगह है छत्तीसगढ़ में, तो वहां के केंद्रीय विद्यालय में ये कला शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। जितेंद्र साहू जी की कला उपलब्धियों में कई चीजें शामिल हैं। ललित कला अकादमी दिल्ली ने भी अपने वार्षिक कला आयोजन में, वार्षिक कला प्रदर्शनी में इनकी कलाकृतियों को शामिल किया है। इसके अलावा इन्हें दिल्ली की आईफैक्स गैलरी ने भी सम्मान प्रदान किया है, हैदराबाद की आर्ट सोसाइटी ने भी इन्हें पुरस्कृत किया है और छत्तीसगढ़ की ललित कला अकादमी में भी इनकी कलाकृतियां जो हैं वो प्रदर्शित हैं। और जितेंद्र जी को लोक चेतना का कलाकार माना जाता है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल को, वहां के जनजातीय जनजीवन को और महिलाओं के जीवन को, वन्य परिवेश को, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन संघर्ष को इन्होंने अपने कैनवास पर सुंदर रंगों से बहुत ही सहजता के साथ उनकी जिंदगी के रंगों को प्रकट किया है और आज हमारे बीच ये मौजूद हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है। हम जितेंद्र साहू जी का स्वागत करते हैं। जितेंद्र साहू जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद जितेंद्र जी, आप सबसे पहले अपने गांव घर के बारे में बताएं। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से उभर कर आने वाले कलाकार रहे हैं, अपने माता पिता और अपने घर द्वार गांव इन सब के बारे में आप बताएं। मैं बिलासपुर जिले के टिंगनवाड़ा गांव का हूं। मेरे पिताजी शिक्षक थे, प्राथमिक शिक्षक। मेरा बचपन वहीं बीता और वहां से फिर मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से कला का स्नातक लिया, स्नातक की शिक्षा पाई। उसके बाद दिल्ली में कुछ वर्षों तक रहा, फिर मथुरा में रहा और इन दिनों अभी मैं बस्तर में हूँ। और बस्तर क्योंकि लोक कला संस्कृति का प्रमुख स्थल है, तो ये जगह मुझे यहाँ की जो लोक कला की सहजता है, यहाँ की जो ग्रामीण परिवेश है, नैसर्गिक सुंदरता है, मुझे काफ़ी आकर्षित किया और मेरे कला के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। वहीं से उन चीज़ों को मैंने कला में लेने की कोशिश की। इन दिनों में बस्तर में हूँ। जितेंद्र जी, आपका जन्म टेंगनमारा में हुआ, ये बिलासपुर जिले का एक बहुत ही सुदूर इलाका है और यहाँ आपको कला की ओर आपका जो लगाव कायम हुआ वो कैसे कायम हुआ, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे कि आमतौर पे जो बचपन होता है उसी तरीके से मेरा भी बचपन रहा। चूंकि आदिवासी अंचल और ग्रामीण परिवेश था, तो स्कूल के दिनों में हस्तकला बनाने की एक हम लोगों को जमा करना पड़ता था हस्तकला बना के। तो हस्तकला में जो भी मिट्टी के कुछ खिलौने, कागज के टुकड़ों से कुछ खिलौने, ऐसे बनाने की शुरुआत हुई। वहाँ से धीरे धीरे फिर हमारे ग्रामीण अंचल में शादी ब्याह पर्व में दीवारों पे रेखांकन करने की प्रथा थी, तो मैं वो रेखांकन करता था।
मुझे बुलाते थे गांव गांव के लोग, तो ये इस तरीके से शुरुआत हुई बचपन में। जी, नैसर्गिक कला चेतना से समृद्ध कलाकार हैं जितेंद्र साहू, और हमारे समाज में जो कला परंपरा रही है उसमें लोग अपने घरों को, आंगन को, दीवारों को सुंदर कलाकृतियों से, अलंकरणों से सजाते रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में ये चीज खास तौर पर देखने को मिलती है। बिहार की मिथिला में भी मधुबनी कला की पेंटिंग जो है उसका, उसके बारे में ऐसी ही बातें कही जाती हैं। तो हमारा ग्रामीण जो जीवन है, लोक जीवन जो है, तो वहां से इन्होंने अपने कला संस्कारों को ग्रहण किया, ऐसा ये बताते हैं। और आज भी ये खुद को एक लोक कलाकार ही मानते हैं, और इन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई हैं तो उनमें मुख्य रूप से लोक जनजीवन की उसमें प्रधानता रही है। तो लोक संस्कृति और कला के साथ उसका संबंध, और आधुनिक कला में उसकी अभिव्यक्ति को लेकर के, जितेंद्र जी आप क्या कुछ कहना पसंद करेंगे? दरअसल मेरा मानना है कि जो जितनी भी कलाएं हैं उसके मूल स्वरूप में लोक कला एक तरीके से विद्यमान रहती है ना? और जब मैं दिल्ली कला की शिक्षा प्राप्त की तो आधुनिक कला के मर्म को समझा, और बहुत सारे जो आधुनिक चित्रकार थे जैसे एन एस बेंद्रे, एम एफ हुसैन, राजा साहब, तैयब मेहता, इन लोगों के चित्रों का अध्ययन किया। और पिकासो मुझे काफी ने प्रभावित किए एक टाइम में, जय झरोटिया और लक्ष्मा गार्ड, इन जो कलाकार थे, प्रतिष्ठित कलाकार थे, उनके चित्रों को मैं अवलोकन करता रहा। और मैंने जब बस्तर में रहना शुरू किया तो यहाँ की जो लोक कला है, लोक कला में वेल मेटल, डोगरा कास्टिंग और आयरन वर्क काफी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की जो लोक कला है बस्तर की, तीन लोक कलाओं को समझने के बाद मैंने जो आधुनिक कला की जो मेरी शिक्षा थी या अनुभव था, उन दोनों के बीच मैंने सामंजस्य बैठा के कुछ नया करने की सोचा, और उसी दिशा में मैंने फिर काफी काम किया। हर विधा में काम किया मैंने, पेंटिंग के अलावा मैंने टेराकोटा में, वेल मेटल में, आयरन वर्क में, इनमें काम किया मैं। तो हमेशा से जो प्रकृति है, प्रकृति की जो बिंब है, उनको मैं अपनी कलाकृति में एक तरीके से सीधे प्रत्यक्ष रूप में ना करके उसको एक जो उसका जो मर्म होता है उसको प्रस्तुत करने की मैंने कोशिश किया। हाँ बिल्कुल जितेंद्र जी, आपने आधुनिक कला की जो सबसे प्रमुख जो प्रवृत्ति है, लोक जीवन से जुड़ाव और इसके माध्यम से जीवन के यथार्थ का अंकन, इसके बारे में हमें बताया है। और इससे जितने भी कलाकार हैं हमारे देश के, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और एम एफ हुसैन, तो ये सारे कलाकार जो हैं वो बहुत गहरा लगाव, बहुत गहरा प्रेम लोक कला के साथ वो प्रदर्शित करते हैं। और आपने भी अपनी कलाकृतियों में इस बात का काफी ख्याल रखा है, और नित्य नए प्रयोगों की ओर भी आप उन्मुख होते रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। भारत गांव का देश है, और यहाँ की जो कला परंपरा है, चाहे वो संगीत की परंपरा हो, चाहे वो चित्रकला की परंपरा हो, या नाटक की परंपरा हो, इस बहुत गहरा सरोकार ये कला जो है प्रदर्शित करती है अपने समाज के साथ, संस्कृति के साथ। और हम अब आपसे साहित्य के बारे में जानना चाहेंगे। आप हिंदी के प्रतिष्ठित कवि हैं, आपकी कविताएं हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, पहल पत्रिका ने भी आपकी कविताओं को प्रकाशित किया है, और आपका कविता संग्रह सहस्राब्दी के घाट पर भी प्रकाशित है। और मैं चाहता हूं कि कविता लेखन के बारे में भी आप बताएं। बचपन में शायद मैं 6 या 7 क्लास में था, तो हमारे गांव के पास एक रेल दुर्घटना हुई थी। एक पैसेंजर ट्रेन को एक मालगाड़ी ने टक्कर हो गई थी,
तो काफी लोग, हजारों लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। तो मैं उस समय 6th क्लास में था, तो मैंने तुकबंदी की थी उससे, जो हृदय विदारक घटना थी। तो मेरे गांव के भी कुछ लोग थे उसमें, तो वहीं से मैंने फिर लिखना शुरू किया। और जब हम लोग पढ़ते थे तो हर शनिवार को एक सम्मेलन होता था स्कूलों में, कि एक स्कूल के बच्चे कोई एक चिन्हित स्कूल में जाते थे, वहाँ अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह देते थे। तो मैं उसमें काफी एक्टिव रहता था। और उन्हीं दिनों फिर मैंने तुकबंदी करने शुरू की। मुझे ख्याल है कि मैं 6th 7th क्लास में रहा हूँगा। फिर धीरे 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 मुझे साहित्य से तो लगाव था, तो काफी साहित्यकारों को मैं पढ़ने लगा। और पढ़ने के बाद उन्हीं दिनों मैंने मुक्तिबोध को पढ़ा। लेकिन मुक्तिबोध तो कवियों के कवि थे, उनकी भाषा उस समय क्लिष्ट थी, मैं 6th 7th क्लास में कहाँ समझ पाता। उन्हें बहुत बाद में जा करके समझा मैं मुक्तिबोध को। और मैथिली शरण गुप्त और नागार्जुन बाबा, इनकी कविताएं मैं 6th 7th 8th तक पढ़ना शुरू कर दिया था। और बाद में मुझे सुदामा पांडे धूमिल और पास, इनकी कविताएं काफी प्रभावित करती रही। जनवादी जो प्रगतिशील और जनवादी जो कविताएं थी वो मुझे प्रभावित करती थी। जी, आपको हिंदी के प्रगतिशील काव्यधारा के कवियों ने विशेष तौर पर प्रभावित किया, और जी प्रगतिशील काव्यधारा हमारे साहित्य की मुख्य काव्यधारा रही है। पिछले 3-4 दशकों से हिंदी के कवियों ने प्रगतिशील भावों को लेकर कविताएं लिखी हैं, और आप भी उस धारा से प्रभावित कवि हैं। तो हम लोग अब आपसे आपकी कुछ कविताएं भी सुनना चाहेंगे, और आप अपनी कुछ कविताएं हमें सुनाएं। मैं छोटी छोटी कुछ कविताएं आप लोगों को सुना रहा हूँ। बहुत छोटी कविता है। स्वप्न में डूबी लड़की उड़ती है। स्वप्न में डूबी लड़की उड़ती है। स्वप्न में डूबी लड़की कर नहीं पाती एहसास खुरदुरेपन का। स्वप्न में डूबी लड़की उड़ती है। स्वप्न में डूबी लड़की कर नहीं पाती एहसास खुरदुरेपन का। स्वप्न में डूबी लड़की काटती है हर बंधन को। एक छोटी सी कविता थी। बहुत सुंदर। स्वप्न के बारे में, और जो स्वप्न है वो, उसमें लड़कियों के जो सपने हैं वो सबसे अच्छे सपने बने, और लड़कियों के सपनों में जो खौफ है, जो अंदेशा है, जो भय है, वो बिल्कुल दूर हो जाए। और आपकी कविता जो है इन भावों को प्रकट करती है। लड़कियों का स्वप्न समाज का स्वप्न बने, वो पावन मानी जाती हैं, पवित्र मानी जाती हैं, और बहुत ही सहजता से समाज की निर्मात्री बनती हैं, नारी बनकर करके। तो आपकी कविता बहुत पसंद आई। आगे भी आप अपनी कविताएं, जो छोटी छोटी कविताएं आप सुना रहे हैं, बहुत अच्छी जी लग रही हैं सुनने में, इनको सुनाना जारी रखें। एक दूसरी कविता है। जब तक बची रहेगी स्त्री के स्तन में दूध, जब तक बची रहेगी स्त्री के स्तन में दूध और चिड़िया के चोंच में दाने की गंध। जब तक बची रहेगी स्त्री के स्तन में दूध और चिड़िया की चोंच में दाने की गंध, तब तक खत्म नहीं होगी, तब तक खत्म नहीं होगी पृथ्वी पर से हरे पत्ते और नीले जल की संभावना। तब तक वाह खत्म वाह, नहीं बहुत सुंदर, होगी पृथ्वी पर से हरे पत्ते बहुत और नीले सुंदर, जल की संभावना। बहुत सुंदर। एक छोटी कविता थी। आपने ये कविता जो है, आपने इसमें धरती, प्रकृति और स्त्री, इन तीनों बिंबों को लेकर के एक जीवन का बहुत ही सुंदर सजीव चित्र उकेरा है अपनी कविताओं में, अपनी इस कविता में। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी धन्यवाद। जो कविताएं हैं उनमें चिंतन है, संस्कृति का स्वर है, और आह्वान है, प्रेम का भाव है, और यह हमें स्पंदित करता है, यह स्वर, काव्य स्वर आपका। और कुछ और छोटी कविताएं आप सुनाएं।
एक कविता है जिसका शीर्षक है बीज। न जाने कब से उड़ा था अंधड़ में बीज, न जाने कब से उड़ा था अंधड़ में तलाश में जमीन की। बीज न जाने कब से उड़ा था अंधड़ में तलाश में जमीन की। रुको 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 रुको, ढको मत पृथ्वी को अजनबी देश के रंग से। रुको रुको, ढको मत पृथ्वी को अजनबी देश के रंग से। जमीन को आग मत दो, जमीन को आग मत दो, जमीन को आग मत दो, बस एक बीज रोप कर निश्चिंत हो जाओ कि दिया है तुमने, कि दिया है तुमने अगली पीढ़ी को फूल के शक्ल में जीने का संदेश। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा आपकी इन तीन चार कविताओं को सुनकर। छोटी छोटी कविताओं के अलावा आपने लंबी कविताएं भी लिखी हैं और आपने मुक्तिबोध को पढ़ा है। मुक्तिबोध आपके प्रिय कवि हैं और मुक्तिबोध की लंबी कविताएं जो हैं वो उल्लेखनीय हैं हिंदी में। खैर, हम लोग आपकी कविताओं को अब बाद में सुनेंगे। आप जी वर्तमान में बस्तर में रह रहे हैं। बस्तर जो है देश जी का एक आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ की कला परंपरा के बारे में आपने बताया है कि उससे आपने पिछले सालों में काफी कुछ ग्रहण किया है, चाहे वो मूर्ति शिल्प हो या रंग शिल्प हो या चित्र शैली हो। आपकी बस्तर के सदियों पुराने जो कला परंपरा रही है उसने आपको प्रभावित किया है, आप उसके अध्ययन में भी संलग्न है। तो बस्तर के बारे में बताएं, यहाँ के आदिवासी जनजीवन के बारे में, विकास की जो किरण अब बस्तर में दिखाई दे रही है, यहाँ का जो परंपरागत जीवन है, जनजातीय जीवन, इन सबको आपने जी किस तरह से देखा है, महिलाओं का इस समाज में किस तरह का एक सम्मानजनक स्थान है जनजातीय समाज में, जो हमारे आज के आधुनिक समाज को कुछ संदेश भी देता है, अच्छी बातों का संदेश, जहां नगरों में महानगरों में महिलाओं के साथ हमारे जो संबंध हैं प्रेमपूर्ण संबंध वो संकट में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। आदिवासी जनजीवन की सहजता, सरलता, सुंदरता, इन सब के परिप्रेक्ष्य में बस्तर के परंपरागत जीवन के बारे में आप हमें कुछ बताएं। बस्तर को मैंने दो चरणों में देखा है। शुरुआती दौर में 95 से 99 तक मैं बस्तर में था, तो उस समय का परिवेश और आज 20 साल बाद जो बदलाव आए हैं, काफी बदलाव आए हैं। एक तो जो उनमें शिक्षा का पहले अभाव था, वो अभी गांव-गांव में स्कूल है, सड़कें हैं, आधुनिक जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे पहुंच रही है। इससे जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफी उनमें बदलाव आया है और शिक्षित हुए हैं, जिससे उनके रहन-सहन में और कार्यों में भी जिसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और इंटरनेट के आने के बाद उन लोग भी बाहरी दुनिया से जुड़ गए हैं, जिसका भी उनको उनके ऊपर प्रभाव दिखता है। और जो बस्तर का जो आदिवासी जनजीवन है वो काफी सरल है। पहले वो प्रकृति के ऊपर ही निर्भर रहते थे, आज भी उनका जो जीवन है उतनी ही सहजता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रकृति के बीच में रहता है उनमें एक तरीके से सहजता उनके जीवन में आ ही जाती है। और हम महानगरों में जो जीवन के प्रति जो आपाधापी होता है वो जो प्रकृति के बीच में रहते हैं उनके बीच में नहीं रहती, क्योंकि उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत सीमित होता है। और प्रकृति को एक तरीके से वो देवता के रूप में पूजते हैं, उनके सहचर के रूप में उनका संरक्षण भी करते हैं और उनको जीवन यापन का अपना माध्यम भी चुनते हैं। तो जो बिल्कुल, बस्तर की जो बहुत आदिवासी सुंदर। संस्कृति है, काफी हम एक तरीके से बोले कि नहीं वो पिछड़ा है, लेकिन काफी संस्कारवान है, काफी संस्कारित है उनमें। जी, जी बस्तर के जो लोग हैं अपने सुरम्य, शांत, सुंदर अंचल में जीवन की तमाम अच्छी बातों को वो समझते हैं और ये अंचल जो है सारे देश के लोगों को संदेश देता है आपस में प्रेम से रहने का, प्रेम
प्रकृति की जो सुंदरता है, प्रकृति की जो गरिमा है, उसको समझने का। और हमें जितेंद्र साहू साहब इसके बारे में अभी बता रहे थे कि इन्होंने ये सब सारी चीजें बस्तर में रहते हुए आदिवासी जनजीवन के बीच में प्रचलित देखी हैं, और बस्तर इस तरह से हमारे ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। और आप इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बारे में भी बताएं। ये विश्वविद्यालय हमारे देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में है, यहाँ बहुत अच्छी कला शिक्षा की व्यवस्था है। तो ये कहाँ है, राजनाथ गांव में है, ये कहाँ है, ये इंदिरा कला संगीत खैरागढ़ में है, खैरागढ़ में है ना जी, खैरागढ़ में है। संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला से 40 किलोमीटर दूर खैरागढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना उस समय की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विद्याचरण शुक्ल के पिताजी, वो उस समय खैरागढ़ में हेडमास्टर हुआ करते थे। और जब वो श्यामाचरण शुक्ल की बात आप कर रहे हैं, शुक्ल के भाई थे रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। हाँ, हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और वो राष्ट्र निर्माताओं में माने जाते हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने महापुरुष हैं वो। हाँ जी, वही खैरागढ़ में हेडमास्टर हुआ करते थे। अच्छा, जब वो मुख्यमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री हुए, तो माधवराव सिंधिया जी यूनिवर्सिटी की जो थी उसे ग्वालियर में स्थापित करना चाहते थे। तो उस समय के जो तत्कालीन राजा थे खैरागढ़ के, उन्होंने अपनी बिटिया के नाम से राजमहल को दान में दिया यूनिवर्सिटी के लिए, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और अभी तो काफी विस्तृत रूप प्राप्त कर चुका है, उसके कैंपस काफी बढ़ गए हैं और उसमें नाट्य विभाग भी है, थिएटर भी है, म्यूजिक का है, हिस्ट्री का है, मतलब काफी संपूर्ण है वो जी। और वहाँ के छात्र जो हैं वो कला के क्षेत्र में देश विदेशों में अपना नाम अर्जित कर रहे हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में जब आप पढ़ने के लिए आए तो आपको कैसा लगा? उसके पहले आपने कहाँ से, कितनी पढ़ाई आपने पूरी की थी टेंगनमारा में, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में जब आप आए? मैंने 11वीं पास किया था, उस समय 11वीं बोर्ड हुआ करता था, तो 11वीं की मैंने परीक्षा पास की थी। उसके बाद एक साल में रायपुर में रहा और वहीं से मुझे खैरागढ़ के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद मैं खैरागढ़ एडमिशन के लिए गया। उस समय खैरागढ़ गया तो हमारे जो प्रोफेसर साहब थे संत कुमार श्रीवास्तव जी थे, यूसी मिश्रा जी थे और महेश चंद शर्मा जी थे। यूसी मिश्रा जी तो दिवंगत हो गए हैं और संत कुमार श्रीवास्तव जी अभी 82 साल के हैं, अभी भी सक्रिय हैं और ग्वालियर में रहते हैं, उनसे अभी भी मार्गदर्शन मिलते रहता है। और घनश्याम तिवारी थे सपाटी में जो कविताएं लिखते थे, और रमाकांत श्रीवास्तव जी थे जो इन दिनों भोपाल में हैं, और गोरेलाल चंदेल जी थे, जीवन यदु जी थे जिनसे मैंने कविता पाठ हुआ करता था, तो मैं सम्मिलित हुआ करता था, उनको सुनने का सौभाग्य मुझे मिलता था। और उन दिनों में छोटी मोटी कविताएं मैं भी गोष्ठियों में पढ़ा करता था जी। आपसे मेरी मुलाकात गोवा में हुई थी, तब मैं 1990 की बात है, शायद 90 या 91 की बात होगी। हाँ, 91-92 की बात है। तो उस वक्त आप वहाँ छात्र हुआ करते थे और मैं भी जामिया मिलिया में इतिहास ऑनर्स की पढ़ाई में कर रहा था। तो कला एकेडमी गोवा के उस कार्यक्रम में, कला एकेडमी गोवा के उस राष्ट्रीय एकता शिविर में हम लोग आए थे, तो वहाँ हम लोगों की मुलाकात हुई थी। और फिर दिल्ली जब आप आए, वहाँ ललित कला एकेडमी की किसी प्रदर्शनी में, तो वहाँ फिर आपसे मुलाकात हो गई।
और इस तरह से हम लोग बहुत लंबे अरसे से आपस में जुड़े हुए हैं। फिर दिल्ली में आप पदस्थापित भी हुए कला शिक्षक के रूप में, और साउथ एक्सटेंशन में आप रहते थे आसपास में, उदय पार्क में। इस तरह से आपसे बहुत पुराना रिश्ता मेरा रहा है। और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता रहा है बराबर, कि उस विश्वविद्यालय ने बहुत से छात्रों को कला शिक्षा और संस्कार प्रदान किया, और ये छात्र जो हैं हमारे देश में कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज बहुत छोटी जगह में स्थित है, और वहाँ जो बाहर का प्रभाव है जैसे बड़ौदा आर्ट कॉलेज या फिर दिल्ली आर्ट कॉलेज, ये उस तरीके से आपाधापी वहाँ नहीं है, वहाँ बाजार का दबाव नहीं है, और जो वहाँ के छात्र हैं जो कला के मूल तत्व, जो प्राथमिक जो शिक्षा होती है, उस बेसिक जो ज्ञान होता है वो अच्छी से ले पाते हैं, प्रकृति के नजदीक है, इसलिए वहाँ के जो जो छात्र हैं उनमें जो प्रकृति के जो स्वरूप हैं वो विद्वान रहते हैं, और उनकी एक मौलिक कला शैली विकसित होता है। हर छात्र की अपनी एक इंडिविजुअल शैली विकसित होती है, बहुत ज़्यादा बाहरी जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता। तो अभी भी वहाँ के छात्रों में एक विशुद्ध रूप या सात्विक रूप परिलक्षित होता है। जी, बहुत स्वाभाविक है। वो विश्वविद्यालय जो है वो देश के बहुत ही सुदूर अंचल में स्थापित है, और ग्रामीण क्षेत्र के जो कला छात्र हैं वहाँ वो आते हैं, और आधुनिक कला के बारे में भी वो जानकारी प्राप्त करते हैं, और देश के तमाम विश्वविद्यालयों में अपने अपनी तरह की शिक्षा व्यवस्था है, तो उस विश्वविद्यालय ने भी अपनी शिक्षा व्यवस्था से देश के विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में अपना अपनी एक जगह उस संस्थान ने कायम की है, और आपको गौरव प्राप्त है उस विश्वविद्यालय का छात्र होने का। इसके लिए आपको बधाई कि आप उस विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। और आप कुछ अपनी कविताएं वगैरह और सुनाएं, छोटी छोटी कविताएं आपने सुनाई हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप कुछ और कविताएं जो हैं, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन उन्हें आप सुनाएं। एक लंबी कविता सुना रहा हूं, ये लॉकडाउन जब था तब वो कविता लिखी थी, थोड़ी लंबी हाँ, है। वह हाँ, सुनाइए। पहाड़ी तले पर वह एक घर था, पहाड़ी तले पर सर्पीले रास्ते के बीच, कुछ घरों के बीच। घर बहुत सुंदर का नाम, घर का नाम जेहन पर आने भर से एक अजीब सी मादकता मन में समा जाती है, गोया नींद में मुस्कुराते छोटे बच्चे की मुस्कान। कुछ खटपीट, कुछ ठहाके, कुछ सपने, कुछ संगीत, कुछ नींद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भोर होने होते ही चिड़ियों के साथ साथ घर भी जाग जाता है। भोर होते ही चिड़ियों के साथ साथ घर भी जाग जाता है, लेकिन घर कुछ दिनों से एक अकेले आदमी का एकालाप बना हुआ था। घर कहाँ कहीं कुछ बोलता है, घर कहाँ कहीं कुछ बोलता है, आज भी चुप है, बस दीवारों पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरों को टांगे हुए। घर कहाँ कुछ बोलता है, आज भी चुप है, बस दीवारों पर कुछ आड़ी तिरछी तस्वीरों को टांगे हुए। ये तस्वीरें आदमी के जेहन में बनते बिगड़ते बिंबों के मूर्त रूप हैं। ये तस्वीरें आदमी के जेहन में बनते बिगड़ते बिंबों के मूर्त रूप हैं। घर में एक ट्रंक है, घर में एक ट्रंक है, नए पुराने कपड़ों का जखीरा, एक आलमीरा। घर में एक ट्रंक है, नए पुराने कपड़ों का जखीरा, एक आलमीरा, पत्नी की तह कर रखी गई कुछ साड़ियाँ, कुछ डिब्बे चूड़ियाँ और बिंदियों का। बिस्तर में सिलवटे नहीं पड़ते अब, पत्नी अपनी साल भर की ऊब मिटाने अपनी परिजनों के बीच गई है, और बच्चा कहीं दूर शहर में कोचिंग क्लास। रसोई घर में काली पड़ गई है,
रसोई घर में काली पड़ गई है, चाय की केतली, किचन के डिब्बे डिब्बे भी संवादहीन हो गए हैं। रसोई घर में काली पड़ गई है, चाय की केतली, किचन के डिब्बे भी संवादहीन हो गए हैं। खिड़कियों के पर्दे हवा से हिलती है, खिड़कियों के पर्दे हवा से हिलती है तो लगता है घर सांस ले रहा है। जेठ की दोपहरिया में चारों तरफ सन्नाटा है, सिर्फ पंखे की आवाज घर घर आती है, आदमी हाथ में चार कुल्ले उकेर देता है दीवार पर पूरा जंगल, आदमी हाथ में चार कुल्ले उकेर देता है दीवार पर पूरा जंगल, अब वह जंगल के बीच में है। इसी तरह आदमी रोज दीवार पर उकेरता है एक एक नया संसार, इसी तरह आदमी रोज दीवार पर उकेरता है एक नया संसार और उसमें शामिल हो जाता है। ड्राइंग रूम के सामने का दीवार लाल रंग है, खिड़की दरवाजे सब लाल रंग, उसमें उकेर कर वह एक लड़की वह उसके सांप खो लेता है, क्योंकि हमें पता है पत्नी को फोन करने पर वह कहेगी, रुको जी मैं अभी अपने बचपन की सहेली के साथ हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, और बच्चा कोचिंग क्लास में मोबाइल को साइलेंट मोड में रख रखा होगा। आदमी सोचता है चलो अकेलेपन के साथ हो लेता हूँ वह सबसे संवाद करने लगता है, सोफा कूलर सेल्फ में रखी शोपीस और यहाँ तक चाय पीकर रखी गई खाली कप के साथ। वह सब अपनी आत्मकथा बांटते हैं। आदमी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो नया नया स्वांग रचता है, मुस्कुराता है, चलो जी यह भी एक अच्छा खेल है। आदमी को यह आदमी को यह खेल अच्छा लगने लगता है और अब वह अकेला नहीं है। अजीब सी वेदना में लिपटी कास्ट शिल्प में वह एकात्म हो जाता है, उसकी वेदना आकारहीन नहीं है। घर में एक कोने में दर्जनों देवी देवताओं के फोटो टंगे हैं, एक छोटा सा मंदिर है, पत्नी की सख्त हिदायत है सुबह शाम दिया जरूर दिखाना, जो अक्सर वह भूल जाता है। दरवाजा खोलने पर बाहर का संसार घर के अंदर चला आता है, बाहर भी सन्नाटा है, कुछ पेड़ हरहराते रहते हैं, कटहल का पेड़ पर लगा बड़ा सा कटहल का फल लगता है अब गिरा कि तब गिरा। वह सोता है और जग जाता है, सिरहाने पर रखी एल्बम पलटता है, एल्बम अतीत में लौटने का रास्ता है। आदमी ड्राइंग रूम से बेडरूम, बेडरूम से स्टूडियो, स्टूडियो से कोर्टयार्ड चहलकदमी करता है और उसे लगता है कि ड्राइंग रूम बेडरूम सब उसके पीछे पीछे चले आ रहे हैं हंसी मजाक करते। उसे लगता है सेल्फ में रखी किताबें क्या बात करती होंगी और उसके हाथ में किताबें लेने से जैसे किताबों के पन्नों में समाचुप हो जाते हैं, जैसे आदमी ने उनकी निष्ठा भंग कर दी हो। आदमी को यह सहूलियत है कि वह अपने विचारों को रंगों और रेखाओं में व्यक्त करते रहता है। वह अपनी ऊब को कहता किसी से नहीं, बस कागज और कैनवास पर दीवारों पर उकेरने लगता है। उसे पता है कहने से कुछ फायदा नहीं, सबके अपने अपने ऊब हैं जिसमें वे उबे रहते हैं, डूबे रहते हैं। आदमी घर से निकलकर सबसे सुखी व्यक्ति का मुखौटा लगाए, स्कूटी पर चक्कर लगाते, लोगों से बतियाते, सौदा सुलभ करते दिख जाता है। घर की दहलीज पार करते ही अपने लिए नया संसार रचने लगता है। उसके बनाए चित्रों में पेड़ है, पहाड़ है, चिड़िया है और औरत जिसके पंख होते हैं
अवरत जो चिड़िया है वह इन चित्रों को देखकर मुस्काता है और नए स्वांग में समा जाता है। पीले पीले कपड़ों में लिपटा झांकता है उसका चेहरा, जिससे जिसमें न हर्ष है न विषाद है। अब वह हर जगह स्वांग करता नजर आता है। सुखी हंसी झांकता है चेहरे पर। पानी के टंकी में डूबा हुआ आदमी बाथरूम में भी तस्वीरें बना रखी है। उसे लगता है यहाँ भी जीवित है उसका संसार। अब वह मिटाने घर के बाहर नहीं भागता, बल्कि लगता है बाहर जाने पर वह जल्द से जल्द घर लौटना चाहता है। अब वह टक दोपहरिया में खिड़की के बाहर झांकता है और झट खिड़की का दरवाजा बंद कर लेता है। मुस्काता है, बिस्तर पर लेट घूमते पंखे को देखता है। अब वह अकेला नहीं है। पत्नी के फोन आने पर कहता है, रुको जी, बहुत सारे चीजों लोगों से घिरा पड़ा हूँ, मुझे अकेला छोड़ते ही नहीं कमबख्त, फोन करने का भी वक्त नहीं देते। कई बार तो फोन की घंटी बजते रहती है और वह न जाने कहाँ खोया पड़ा रहता है। ट्रिन ट्रिन ट्रिन, ये लॉकडाउन में लिखी कविता थी। लॉकडाउन के दिनों में हम लोग का जीवन बहुत ही एक अलग तरह का जीवन हो गया था, और इस समय हम लोग कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे, लेकिन हाँ, जो भी हम लोगों का जो काम था तो उस काम को करते हुए हम लोग बहुत सी और दूसरी बातों के बारे में भी सोच पा रहे थे, और घर के भीतर से फिर बाहर की दुनिया को देखना उस समय बिल्कुल एक अलग तरह की अनुभूति को कायम कर रहा था। बाहर में तो सब कुछ थमसा गया था, लेकिन घर के भीतर हम लोग अपने आप को निरंतर सक्रिय बना रहे थे, और उसी सक्रियता एक तरह की जीवन की आहट है इस कविता में। आपकी जो ये कविता है लॉकडाउन के बारे में लिखी गई, ये कविता दिखाती है कि कैसे हम लोग निरंतर एक अपनी दुनिया अपनी सक्रियता से अपने भीतर रचते हैं, और फिर बाहर को भी उसमें हम लोग समेट कर बाहर को बदलने की ये चेष्टा में शामिल होते हैं, और फिर जो हलचल है आज के हमारे जीवन की वो इस कविता में प्रकट होती है। जितेंद्र साहू जी, आपको इस सुंदर कविता को सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और संवेदनशील भाषा में आपने अपनी मनोगत प्रतिक्रियाओं को इस कविता में दर्ज किया है, और ये कविता थोड़ी लंबी भी है लेकिन बहुत ही सधे हुए शिल्प में और संजत भाषा में अपने मनोगत स्पंदन को आपने इस कविता में प्रकट किया है। जितेंद्र साहू जी ने अभी अपने बारे में बताया, और जितेंद्र साहू जी जो हैं ये बेहद सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। टेंगनमारा में इनका जो बचपन है वो काफी संघर्ष में व्यतीत हुआ, और बचपन में ही बाल्यावस्था में ही इनकी माता जी का भी देहांत हो गया, और फिर इन्होंने एक बार मुझे साक्षात्कार में बताया था, अपने किसी साक्षात्कार में इन्होंने मुझे बताया था कि इनकी जो दूसरी माँ जो आई अपनी माँ के देहांत के बाद, सगी माँ के देहांत के बाद इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, और फिर इनकी जो दूसरी माँ आई जो अभी टेंगनमारा में रहती हैं, तो इन्होंने इनको पाला पोसा, और फिर ये पिता जो थे वो एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे, उनके जीवन का अपना संघर्ष था, बहनों की बेटियों की का विवाह ये सब करना था, तो पढ़ाई लिखाई करने में इन्हें बहुत कठिनाई हुई। और बताते हैं कि मैंने किसी तरह से ये स्कूल की पढ़ाई मैंने पूरी की, और फिर मैं रायपुर चला आया, रायपुर में मैं किसी आर्ट गैलरी में नौकरी करने लगा, और उस समय मैं बहुत कुछ जानता नहीं था बाहर की दुनिया के बारे में, यूनिवर्सिटियों के बारे में, वहां फाइन आर्ट्स की जो पढ़ाई होती है उसके बारे में। तब इन्होंने किसी ने इनको बताया इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बारे में, और फिर देखिए कि कोई आदमी जब कहीं जाता है तभी फिर राह भी बनती है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जब ये पहुंचे तो वहां पर इन्होंने जब पढ़ाई लिखाई की इच्छा जाहिर की वहां के जो आचार्यगण थे उनके सामने, तो उन्होंने इनका नामांकन अपनी यूनिवर्सिटी में किया। वो लोग पहचान गए इस
छात्र के मन में प्रेम है, कला से प्रेम है, और वहां पर फिर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और फिर ये सरकारी नौकरी में भी आ गए और वर्तमान समय में केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में ये शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं और बहुत ईमानदारी से ये चित्रकला में संलग्न रहे हैं। आज हमारे साथ ये कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम से विदा लेते हैं दर्शकों श्रोताओं। जितेंद्र साहू जी से हमें कविताएं सुनने को मिली और उन्होंने अपने बारे में बताया, चित्रकला के बारे में। इन सब के लिए हम इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और कार्यक्रम के अगले किसी एपिसोड में जितेंद्र जी से हम फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे और जितेंद्र जी से भी अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।